हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ तीन ऐसी मैजिक एक्सरसाइज, जिन एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छी शेप में आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे बर्ड्स हमारी पर्सनैलिटी को कितना अच्छा निखारते हैं। अगर हमारे बर्ड शेप में हैं, उन पर एक्स्ट्रा फैट नहीं है, फ्लैट नहीं है, वो राउंड शेप है, तो वो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत अलग लुक देते हैं। अगर आपके हिप्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, तो इन एक्सरसाइज को करने से वो हैवी हिप्स बहुत अच्छी शेप में आ जाएंगे। और अगर हिप्स बहुत ही फ्लैट हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में आपको अच्छे नहीं लगते और आप चाहते हैं कि आप इन हिप्स को हैवी हो जाए या फिर शेप में आ जाए, तो इन एक्सरसाइजेस के थ्रू उस फ्लैट हिप को भी हम शेप में ला सकते हैं। प्रॉपर राउंड, प्रॉपर शेप हमारी पर्सनैलिटी को बहुत एनहेंस करती है। और जब हम बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, तो हमारे अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। तो अब और ज्यादा देर ना की जाए, जल्दी से जल्दी आप कॉन्फिडेंट होइए और अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा से ज्यादा निखारिए। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी जरूर है और बहुत ही डेडिकेशन के साथ करनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जिनमें से फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट। इस एक्सरसाइज को कैसे करना है, आप पिक में देख सकते हैं कि आपको अपने पैरों को थोड़ा सा बैंड करके ऐसे खड़ा हो जाना है, अपने कंधों की चौड़ाई तक रखना है अपने पैरों को चौड़ा सिर्फ। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने नीज को बैंड करते जाना है, यानी कि आपको अपने घुटनों को बैंड करते जाना है धीरे धीरे जमीन तक। जमीन को बिल्कुल टच नहीं करना है, उससे थोड़ा सा तो ऊपर रखना है। अपने हिप्स को नीचे लेकर जाते जाना है और ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी नीज पे ज्यादा जोर देना है। और अपने हाथ में अगर आप चाहें तो कुछ पकड़ भी सकते हैं। जब आप अपने हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो आप अपने हैंड्स में कुछ भी रख सकते हैं, ताकि आप डिसबैलेंस ना होए। आपको इतना नीचे जाना है कि कम से कम आप अपने घुटने से थोड़ा सा नीचे आ जाए, बट फ्लोर पर ना बैठे। और आप कोशिश कीजिए कम से कम 4 से 5 सेकंड तक आपको होल्ड रखना है उस पोजीशन में। उसके बाद में आपको फिर सीधा खड़े होना है और उसके बाद में फिर इसी तरह से ही आपको दोबारा से यही रिपीट करना है। कम से कम आपको ये 3 सेट करने हैं, 10 से ईच सेट में 10 से 12 स्क्वाट्स होने ही चाहिए अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं तो। और सेकेंड एक्सरसाइज है ब्रिज लिप्स, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले तो सबसे पहले लेट जाना है इसमें फ्लोर पर। उसके बाद अपने पैरों के जो तलुए होते हैं, इनको आपने फ्लोर पर ही रखना है और अपने कंधों को लिफ्ट करते हुए आपको अपने घुटने भी लिफ्ट करने हैं। घुटने आपको ज्यादा लिफ्ट करने हैं, बट इसमें आपको अपने कंधों का सहारा लेना पड़ेगा घुटनों को लिफ्ट करने के लिए, और कंधे की चौड़ाई के अलावा अलग हों। और अपने बर्ड को टाइट करते हुए आपको उसे उठाए रखना है, ताकि आप अपने कंधों से अपने घुटनों तक एक सीधी लाइन बना सके। आपको खुद फील होगा कि बहुत आप इक्वल लेवल पर लगने लगेगा आपको घुटनों का और कंधों का। कम से कम आपको इस पोजीशन में 3 सेकंड तक रहना है और फिर आपको दोबारा से वैसे ही लेट कर फिर उसे दोबारा रिपीट करना है इस एक्सरसाइज को, इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एक्सरसाइज कम से कम आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट में कम से कम 15 ब्रिज लिफ्ट्स होनी ही चाहिए। आप एकदम से सारी एक्सरसाइजेस स्टार्ट अगर नहीं कर सकते तो आप स्लोली कीजिएगा, बट आपको अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको एटलीस्ट इतना तो करना ही है जितना मैं आपको बता रही हूँ कि कितने सेट और कितने ईच करने हैं आपको। तो फ्रेंड्स, थर्ड एक्सरसाइज है हील्स अप, यानी कि इसमें आपको सबसे पहले तो जैसे कि प्लैंक पोजिशन होती है, मैं जस्ट एक पोजिशन बता रही हूँ आपको, बट ये प्लैंक से बहुत अलग है। आपको सिर्फ एक प्लैंक पोजिशन में लेट जाना है, उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज में अपने घुटने के बल पर अपने आप को इस पोजीशन में आना है, आप पिक में देख सकते हैं इजली। और अपने अगर आप लेफ्ट लेग को रेस करते हैं ऊपर की ओर, तो आपको अपने राइट हैंड को सामने बिल्कुल रखना है और लेफ्ट लेग को आपको ऊपर की ओर करना है। इसी तरह से आपको जब पोजीशन चेंज करनी है, तो जब आप अपने राइट लेग को ऊपर की ओर करेंगे तब आपको अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेट करना है आगे की ओर। जब आप अपनी लेग रेस करेंगे ऊपर की ओर, तो आपको इतना प्रेशर देना है उस लेग पे जैसे कि मानो आप अपने बिल्कुल नाखून को दबा रहे हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा इस एक्सरसाइज में अपने आप को ही चैलेंज करना है, ताकि आपकी मांसपेशियों पर भी आपको स्ट्रेन फील हो। इसी तरह से यह एक्सरसाइज आपको इसी पोजीशन में आपको 5-5 सेकंड के लिए रहना है और आपको 2 सेट्स करने हैं। ईच सेट में 10 से 15 हील्स अप एक्सरसाइज, ये यानी कि ये वाली एक्सरसाइज आपको
करनी ही करनी है। और मैं आपको फ्रेंड्स बार बार बता रही हूँ कि अगर आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो प्लीज इन एक्सरसाइजेस को आप डेडिकेशन के साथ कीजिएगा। विद इन अ मंथ आप खुद कहेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत ज्यादा निखार आया है और अब आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज आप इन एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चेपर ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।